रेशन का खाता है और कसरी मन ले आवे आजादारानी मान मजलूम है करबला इमाम हुसैन के चाहने वालों जहरा के दाल का भूसा देने वालों जहरा रोमाल लेके हाजिर हो गई है आ गई है तशरीफ ले आई है उनके रुमालों में अपने मुबारक आंसुओं को जगह दे दो इसलिए कि ये जहरा के लाल का चेहरू है जहरा के लाल का चेहरू बनाने के लिए जो है हैदरी नौनामा सादात आमादा है जो बरामद हो चुका है ये आजा खाने से यदूर की वो मंजिल है कि जहां वो मंजर पेश किया जाएगा कि जो जहरा की बेटियां यजीद के दरबार से रिहा होना चाहती हर जिंदा निशान हमारे चौथे इमाम से किसी ने पूछा मौला सबसे ज्यादा मुसीबत कहां पड़ी है इमाम खुद के आंसू रोते थे और कहते थे शाम अशाम अशाम तीनों शाम शाम कह के बशारा तब मेरे मौला जिसके हाथों में कड़ियां थी पर हमें बेड़ियां थी गले में खाम जाता होता वो इमाम करबला से जिस तरह से चला तू वो शाम सैयद सज्जाद ने कासिम के साथ जाने लगे तो ज़ैनब ने कहा कि नहीं भैया नहीं बेटा मैं तुम्हें ऐसे जाने लगूंगी कहीं यजीद तुम्हें कत्ल न कर दे कहा नहीं मैं भूमि पर अब यजीद कत्ल नहीं करेगा उसका ज्यादा कुछ और है मैं चाहता हूँ अल्लाह अच्छी खबर सुनाएगा सैयद सज्जाद चले हाथों में उसके बाद इमाम से कहा कि तुम चाहे यहाँ रहो हमारी तरफ से आजाद हो चाहे मदीने चले जाओ कहा कि मैं बिल्कुल भी अब्बा के बगैर कुछ नहीं जवाब दूंगा जनाब सैयद सज्जाद अब जो जिंदान शाम में पहुंचे तो किस तरह से जनाब ज़ैनब ड्यूटी पे खड़ी हुई जनाब ज़ैनब ड्यूटी पे खड़ी हुई थी फौरन बेटे को इस हालत में देख के चाहती है कि गले से लगा ले लेकिन जब सैयद से चाहती का मुंह भी अपना सबा मेरे दम वाले हो गए तू भी अपना यदि ने आजाद कर दिया है कहा बेटा तो तुमने क्या कहा कहा क्या भूपी अम्मा मैंने कहा है मैं अपनी भूपी के बगैर कोई जवाब लगूंगा कहा भूपी कहा बेटा जाओ और जाके कहो यदि से क्या एक मकान खाली कर दे और उसमें मैं अपने भैया की फर्श अदा बिछाऊंगी हुसैन का सबे मातम बिछाऊंगी उसमें बहन एक भाई का मातम करेगी उसके बाद यार से जाएगी तीन दिन तक ज़ैनब ने मातम किया यजीद ने कर खाली कराया पैसा गया नहीं हुआ इमाम से कहा बेटा
की। और कष्ट में पहले चादरे आनी शुरू हुई, एक एक बीबी की चादर ज़ैनब ने अपने हाथों से बांटी, एक छोटी सी चादर बची, रबाब उठी, अरे ये चादर मुझे दे दो। दारो ज़ैनब मकसूम 3 दिन तक मातम कर रही थी, किस तरह से अस्बाब आए थे तो कटे हुए सर भी आने शुरू हुए, और जब सर आए एक एक सर आता था, एक एक बीबी उठ के अपनी गोद में लेती थी। हाँ क्या मंजर था, सरों पे चादरे आ चुकी थी और वो दीदी हाथों पे चादर फैला लेती थी, अपने वारिस का सर लेती थी। ज़ैनब उठी, भैया का सर आया है, उठ के चादर को हाथों पे रखा, ए मेरा भैया मक्का से चली थी, मेरा बाजू का चादर मेरे सर पे चादर लेती, लेकिन अब ये दीद ने मुझे आघात किया, मेरे बाजू भी खोल दिए, मेरी चादर भी को दे दी, मैं तेरे लाश को दफन ना कर सकी, तेरे सर का कफन अपनी चादर को बनाऊंगी। हाँ ज़ादारो 3 दिन तक रोते हुए, जब हो गए तो उसके बाद जनाब ज़ैनब ने कहा, भैया बेटा जाओ और जाके यजीद से कहो कि ऐसे किसी जान डालने वाले को, ऐसे किसी जानने वाले को हमारा साथ कर कि हम कर्बला से मदीने जाएंगे। पहले ज़ैनब कर्बला जाएगी। अदादारो बशीर नौमान इब्ने बशीर को बुलाया गया, वो सब रास्तों को जानता था, नाकों को लाया गया, अरे अमारियां लगी हुई थी, कहा कि नहीं सुर्ख अमारियों को उतार दिया जाए, काली अमारियां डाली जाए। ज़ैनब भराकर मिटा के आ रही है, ज़ैनब जिंदा से रिहा होके जा रही है। मुठे को ला के बिठाया, सब बीवियों को एक एक करके सवार कर रही है। जनाब ज़ैनब ने सबको सवार कर लिया। और जब कोई घर से रुख्सत होता है ना, जब कोई कहीं से जाता है, सब चीजें अपनी अपनी जमा कर लेता है, लेकिन हाँ दादारो सब बीवियों ने तो अपनी अपनी चीजें जमा कर ली, लेकिन एक दुखियारी माँ थी जिसकी अमानत जिंदाद शाम में थी, और जाने जनाब रबा जिसका सुहाग कर बना दे, अरे लुट गया था जिसकी गोद अली अब्बास कर्बला में शहीद हो गया था, उसकी एक अमानत सकीना जिंदा निशान में दफन थी। रबाब जब नजर आई, जनाब ज़ैनब ने कहा, बेटा रब तुम्हारी अम्मा रबाब नहीं, कहा कि अम्मा चलो जब धरी से उन्हें ले लेंगे। ये काफिला चला, अरे जिंदा निशान पे पहुंचा, जनाब सैयद सज्जाद जिंदा निशान के अंदर पहुंचे, देखा एक माँ अपनी बेटी की कब्र से निपट के रो रही है, सैयद सज्जाद का अम्मा उठो मदीने चल रहा है, अरे हम कर बना जाएंगे बाबा की कब्र पे चल के रोना, कहा बेटा कैसे चलो मेरी सकीना मुझे बहुत याद आएगी, कहा तुम एक काम ना उठो और माँ उठी सकीना की बात, अरे इल्ले लगी ए बेटी
मदी में जा रही हूँ, मेरा बहन से सलाम करना। इतना जिंदा हमारी